gentlemen, it is my honor to present to you India's most famous comedy show. It is the one and only, father of all comedy shows, the comedy circus! ये मैं कैसे बोल रही हूँ? Show हिंदुस्तानी है तो भाषा भी तो हिंदुस्तानी होनी चाहिए ना? वो भाषा जो दिलों को जीत ले, हमारी अपनी भाषा है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस शो में इस बार सब कुछ नया है, नया टैलेंट, नया कंटेंट एंड नया अंदाज। लेकिन पुरानी है तो सिर्फ एक चीज, आप सबकी अजीज। तो बुलाते हैं आप सबकी डियर, इस शो की पायोनियर, लाफिंग बुद्धा की माँ, बहन, फ्रेंड और मेबी नानी, जिस सिंह के बिना पूरा नहीं है ये शो, वन एंड ओनली अर्चना पुरान सिंह। डांसर्स चले गए, तुम भी जाओ, चलो चलो। मैं क्यों खुद शो की एंकर हूँ? हिंदी बोलने वाली इंपोर्टेड एंकर? जी। फिर तो तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कॉमेडी सर्कस एक ऐसा मंच है जिसने जोकर को स्टार बनाया है और स्टार्स को सुपरस्टार्स बनाया है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मेरे जोड़ीदार, कॉमेडी सर्कस के सबसे वफादार, जो 4 साल से कर रहे थे बस इसी शो का इंतजार, मेरे पार्टनर इन लाफ्टर। अरे बच्चों की डिसेंट्री, ये एंट्री मेरी है, समझा? अरे कर क्या रही है? मैंने ये सब कुछ बॉलीवुड फिल्म्स में देखा, जब एक बेटा बरसों के बाद ग्वार लौटता है तो लोग उसको ऐसे ही स्वागत करते हैं, है ना अर्चना जी? ऐसे ही स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सोहेल जी, थैंक यू अर्चना जी, प्लीज आप अपने सीट पे बैठिए, हमारा शो शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार का कॉमेडी सर्कस भी आप सबको दीवाना बना देगा। प्लीज वेलकम विशाल ददलानी एंड नेहा हकार। ये हंसने दे गुलगे, दे हंसने दे गुलगे, उसे आज हंसेंगे हम सब हर बारी। कड़क पंच लगे दो वही सरपंच लगे, कॉमेडी सर्कस आया दो बारी। बाकी ने रुलाया सबको, बस इसने हंसा के मारा, हंसा के मारा। इने रुलाया सबको, बस इसने हंसा के मारा, सबको ही हंसाने आया कॉमेडी सर्कस दोबारा। जम के हंसाएगा ये, धूम मचाएगा ये, देखने वाले होंगे अब हैप्पी हैप्पी। कॉमेडी कॉमेडी आ गया है वापस, देखो कॉमेडी कॉमेडी सर्कस हंसाए सबको, कॉमेडी कॉमेडी। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बट मुझे जाना पड़ेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नया। सुहेल साहब, जिनके घर शीशे के बाने होते हैं वो बत्ती बुझा कर कपड़े बदलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहावत कहाँ से सुनी, बॉलीवुड से।
लेकिन एक कहावत और है, सार पार भूत सवार होना, जिसे समझाने आ रहे हैं कॉमेडी के सरताज बलराज, साथ में कॉमेडी का तिंदा, फेमस फ्रॉम मुंबई टू भतिंदा दिव्यांश, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल यूथ सेंसेशन आदिति भाटिया। हाँ मम्मी कॉमेडी सर्कस कर रहा हूँ। हाँ हाँ नेहा कक्कड़ भी आई है। एक मिनट अभी बात। सॉरी यार, क्या होता है? मैंने डायरेक्टर को बोला था नेहा कक्कड़ को इनके बगल में मत बिठाओ, 3 साल से टीवी पे नहीं है, इतनी भूखी उसको भी खा के देख लो। बट सुहेल भाई, मैंने बड़ा मिस किया आपको, बहुत मिस किया यार, जेन्युइनली। अर्चना जी भी बहुत सुंदर लग रही हैं, घने मुलायम बाल। नहीं सर, आपको नहीं चढ़ाना उनकी तारीफ, वैसे कर। सुहेल भाई, कॉमेडी सर्कस फिर से वापस आ गया, जोरदार तालियां हो जाए एक बार भाई। सैटरडे संडे रात को 9:30 बजे अब 10 का दम की जगह हम लोग आएंगे, तो कैसा लग रहा है आपको सलमान भाई को रिप्लेस करके? अर्चना जी, हम बहुत टाइम पहले आने वाले थे, हमारे प्रोमो भी चल रहे थे 2-3 महीने से, लेकिन हमारे जज के बड़े भाई ने वाट लगा के रखी है हमारी, क्या कर सकते हैं। अच्छे खासे मंडे पे थे, वीकेंड पे आ गए। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं सलमान भाई, माफ कर दो, क्योंकि सारी दुनिया जानती सलमान खान है, दिल में आते समझ में नहीं आते। खैर, फिनाले एपिसोड बड़ा कमाल था 10 का दम का, देखा सुहेल भाई आपने, शाहरुख भाई, सलमान भाई। तो मैंने कहा 10 का दम कर लो चाहे 20 का दम कर लो, हमारे पास फेफड़े का दम है। सुहेल भाई आपको पता है ये 1 सांस में 2.5 किलो ऑक्सीजन लेती हैं, इतने बड़े फेफड़े इनके। एक बार योगा सीखने के बाबा के सामने बैठे, बाबा कहते सांस खींचो, इन्होंने सांस खींची, कहता धीरे मेरी भी खींच ली। 3 साल काम नहीं था, लॉयल्टी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए विपुल शाह की, वरना 3 साल बाद भी पुराना माल कौन लेता है आप लोग बताओ। मुबीन खड़ा हो जरा, अबे खड़ा हो, मार्केट में तो हो नहीं रहा, यहाँ तो हो। अर्चना जी ध्यान से देखो इसको, ऐसे लोग मठ जाटी में ना मोटरसाइकिल अंदर बाहर करते हैं। इतनी सुंदर लड़कियां विशाल सर, और लड़के देख लो, आए हैं सना सईद, खड़ी हो ना जरा, कुछ कुछ होता है भाई, कितनी प्रिटी लड़की है, और इसके पार्टनर देखो जरा। एक वो देख लो करिश्मा रागनी MMS, सॉरी मैं आपकी फिल्म देख नहीं पाया, डाउनलोड करते करते मेरा फोन गर्म हो गया, आई एम रियली सॉरी। जाल भाई क्या है ना, दुनिया में हर इंसान परेशान है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर क्यों गया बताओ? क्यों? धरती पे बीवी ने जीना बहाल कर रखा था उसका। वो बेचारा चांद पे गया दारू पीने, किस्मत इतनी खराब है चांद पे पानी नहीं मिला। लेकिन मैं पानी और शराब दोनों लेके आया हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत दुखी हूँ अर्चना जी, मैं एक लड़की से प्यार करता था पता है, जान से भी ज्यादा, उसने मेरे को धोखा दिया, मुझसे शादी कर ली। ये पानी हो गया, ये दारू हो गई, ये नशा हो गया, चलो। उन्होंने नशा कर लिया अपने आराम से अभी। भारी भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि तूने शराब पी है, और शराब पी के क्या होता है? अमीर ने पियो तो रोमांस होता है, गरीब ने पियो तो बच्चे। अबे यार, शराब पी के जो सर पे भूत सवार होता है वो हूँ मैं। अबे धीरे हंसबे, क्यों अर्चना जी को कंपटीशन दे रहा हूँ? ये बता मेरे सर पे क्यों सवार हुआ है? मैंने सुना है तू अपनी वाइफ से बहुत परेशान है। अरे उससे तो पूरा मोहल्ला परेशान है अर्चना जी, ऐसे ऐसे कपड़े सुखाती है ना बालकनी में। तो लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के मेरी बालकनी देखने आते हैं, आज क्या टंगा है? घबरा मत, अब मैं आ चुका हूँ, सब ठीक हो जाएगा, जैसा जैसे मैं बोलूँ वैसा वैसा कर। बट मैं कैसे मानू तू जो बोलेगा सही बोलेगा? अबे ओए, जो शो तू 32 की उम्र में कर रहा है मैं 10 की उम्र में कर रहा हूँ। काम कर, एक पैग और मार, घर निकलते तेरे। ले
यार पानी तो दे दे ऐसे नीड। साले तूने शराब पीनी है पौधे उगाने हैं। अभी पी ले। और हाँ याद रखना, आज उससे प्यार से बात नहीं करनी। प्यार से बात मेरी बीवी से नहीं करनी। जो औरत हाउ आर यू के बदले में चल बे कुत्ते बोलती हो उससे प्यार से बात कर सकता है। केल भाई मैंने कहा शादी को 2 साल हो गए, जानू आज कुछ कर लो, ऑटो करके मायके चली गई। ऑटो करके? ऑटो करके क्यों, कार से क्यों नहीं गई? पेट्रोल पता कितना महंगा हो गया। शाल सर पेट्रोल पंप पे 500 का पेट्रोल डलवाने जाओ ना कान में डाल देते, कहते 500 का इतना ही आता। इतनी महंगाई हो गई है, वरना आज हमारे शो पे भी सलमान भाई होते। आप क्या असरी आपकी जगह पे होते। अपनी डरूंगा अपनी बीवी से, मर्दानगी दिखानी है आज मुझे। हाँ हम बता देंगे हम मर्द हैं। एक मिनट, मेरी बीवी मैं अकेला बताऊंगा। बाहर बैठ के बता कैसे खेलना, ग्राउंड में घुसने की कोशिश मत कर। तू घर चल यार। घर चलते हैं एक मिनट। टक टक। कौन है? बेबी मैं हूँ। गुस्से में? बेबी मैं हूँ गुस्से में। अबे कौन मैं हूँ? तू? तू शराब पी क्या है ना? नहीं। हाँ हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में शराब पी के गुस्से की? अर्चना जी इसको ना मैंने कल गटर से उठाया है, दारू पी के वास हो रहा था, बताओ मैं क्या करूँ अब? ये देख लो बीवियाँ ऐसी होती है, पति को गटर में भी चैन से सोने नहीं देती। तुझे शर्म नहीं आती क्या? शराब पी के आता है, मेरे पापा जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो तेरे बारे में? पहली बार मेरे को तेरे बाप ने पिलाई थी समझी। कहता है शराब पी ले तू, बिना शराब पिए शादी के लिए हाँ नहीं करेगा बेटा। केल भाई मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। कहता कोई बात नहीं शादी नहीं करनी मत करो, मेरी बेटी को लेकर गार्डन में घूम लो। मैं घूम रहा था बीच में आग लगा दी। कहता फेरे हो गए फेरे हो गए। चल कहाँ गया, मेरे को भूख लगी है। जा फ्रिज में परसों की रोटी पड़ी हुई है, खुद जाके ले ले। मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगा, गर्म करके खाऊंगा। बीवी के सामने ठंडा हो गया गरम करके खाएगा? ऐसी बीवी मेरी होती मैं तो कब का तलाक दे चुका होता। ओए तलाक तलाक तलाक, अबे 3 बार मत बोलो सालो, हो ना जाए कहीं। टेंशन मत ले यार वो सब बंद हो चुका है। तू मुझसे तलाक लेने की बात कर, अपनी खुद की बीवी से ले तलाक लेने की बात कर, तेको शर्म नहीं आती? तो भाई की बीवी से ले लूं वो भी लेगा। केल भाई तेरे को 2 वक्त का खाना तक नहीं खिलाती है। अरे तुम्हें क्या, तेरे घर में कुक बनने आई थी तू? 7 फेरे लेकर यहाँ पे पायलट बनने आई थी? तुझे तलाक चाहिए ना मुझसे? हाँ मेरे को तलाक चाहिए। तलाक चाहिए तुझे मुझसे? अरे हाँ। अरे बोला मेरे को बने, अरे मेरा हाथ ने नहीं बनी ना, अरे बोला मेरे को बने कुत्ता। भाई हाँ ये एंड में क्या बोली मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये शुरू से क्या बोल रही मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। देख भाई मेरे को कोई मुझे पूछ रहा था, कहता फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, रोनाल्डो के मेसी? मैंने कहा विशाल ददलानी। पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मजा ले फुटबॉल नीचे गिरी हो। क्यों डर रहा है, बिना मेकअप के ऐसी दिखती है वो? मैं तेरी बीवी से नहीं अपनी बीवी से डर रहा हूँ। मेरी बीवी है वो, ध्यान से देख। अबे उसके सर पे जो भूतनी सवार है मेरी बीवी है। एक मिनट अर्चना, एसी चल रहा है यहाँ पे? चल रहा है। मेरी गर्दन पे पसीना क्यों आ रहा है? भाई माफ करना डायपर नहीं लगाया। साले! तलाक चाहिए ना तुझे? अबे डायन तुझे शर्म नहीं आती? पति को दूसरी औरत से पिटवा रही है ना मैं? एक मिनट। ये पकड़ी है। ये क्या? भागते भूत की लंगोटी। आ
अर्चना जी, अगर शुरुआत ऐसी ही है तो आगे क्या होगा? आगे जो होगा ना, हमने ऑलरेडी करके दिखाया है पूरे दुनिया में। कॉमेडी सर्कस इसीलिए मशहूर है, यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एवरेज एक्ट नहीं हुए, लेकिन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ एवरी एक्ट इज सो हाई भैया, सो हाई। बलराज, शेर शेर होता है। अरे क्या बात, बलराज इनक्रेडिबल। दिव्यांश, तुम क्या चीज हो मैं बता नहीं सकता। एंड अदिति, खौफ बैठ जाएगा लोगों के दिलों में आपके बारे में ये एक्ट देखे। यू गाइस आर टू गुड। बहुत मजा, बहुत मजा। एक मिनट, जो है ना यहाँ कोई स्कोर कार्ड नहीं है, तो हम कैसे स्कोर करेंगे? वो तो एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगी, वो सिद्धार्थ और मुबीन आपको बताएंगे। मैंने सुना इस बार कॉमेडी सर्कस की स्टोरी काफी अलग तरीके से होगी। बिल्कुल सही सुना है। कैसे कैसे? जैसे कि हमारे शो के जो नर्मदा है, यानी कि जजेस, उनकी हंसी पर डिपेंड करेगी टीम के पैसे। मतलब कि जैसे अगर वो मंद मंद मुस्कुराते हैं तो टीम को मिलेंगे 2,500 रुपए। ये काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हमारी जो टीम के जजेस हैं वो थोड़ा जोर से हाहाकार करके हंसे, हाहाकार हंसी, तो क्या मिलेगा? अगर वो हाहाकार हंसी हंसते हैं तो टीम को मिलेंगे 5,500 रुपए। ये भी काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं फेफड़ा पाड़ हंसी है ऐसी हंसी तो फिर क्या मिलेगा? अगर फेफड़ा फाड़ हंसी हंसते हैं तो टीम्स को मिलेंगे 10,000 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। बलराज, अदिति और दिव्यांश, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 23 हाहाकार और 16 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाखों मीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 3,00,000 रुपए। जो गाने से पहले खुद अपने कान पे रखे हाथ, उससे कहते हैं कवाली। आचों को तो मिलती है ताली, बाकी खाते हैं गाली। लेकर आ रहे हैं फानी कवाली, कॉमेडी में वेरिएशन के सागर, सिद्धार्थ सागर। सत में मस्खारे रंगीन, मिमिक्री है जिनकी बेहतरीन, कॉमेडियन मुबीन और इन दो सुरमाओं के साथ एक खूबसूरत मोहतारमा, हॉट एंड सिजलिंग करिश्मा शर्मा। क्या बात है, वही सेट, वही एनर्जी और वही दुनिया के दो बेहतरीन जजेस। लेकिन अर्चना जी, आपकी पार की नजर को मैं मान गया। मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल पहले आपने कहा था कि मुबीन और सिद्धार्थ तुम लोग कॉमेडी सर्कस के अजूबे में अजूबे बनकर आए हो, लेकिन यहाँ से स्टार बन के जाओगे। जाओगे नहीं, यहीं रहोगे। आपकी जुबान काली है क्या? अरे आनंद भाई आ गए, अरे आनंद भाई आ गए। आनंद भाई, मैं ना आपको ठीक कर दूंगा। आनंद भाई पलक झपकाओ ना आनंद भाई। आनंद भाई इधर देखो, आनंद भाई, सुरेंद्र। अरे आनंद भाई उधर देखो, आनंद भाई, अर्चना। आनंद भाई डरो मत, उन्होंने काटना बंद कर दिया है। आनंद भाई इधर देखो, सोहेल भाई। अरे आनंद भाई उन्होंने सोना बंद कर दिया। आनंद भाई जाग जाओ। आनंद भाई मैं आपको ठीक कर दूंगा। आनंद, मुझे पता कैसे ठीक करना है। भाई क्या चल रहा है भाई? बस सिद्धार्थ, वक्त चल रहा है मेरा अच्छा, और तेरा सबको पता है। बस इंसान काम के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा काम, वो भी कमाल का चल रहा है। ये शो, कभी वो शो, कभी इधर शो, कभी उधर शो, इंडिया फॉरेन, पता नहीं क्या क्या। तेरा क्या चल रहा है? मेरा भी पागलखाना, रिहैब, नशा मुक्ति केंद्र, ये सब थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन कहते हैं जब आदमी को ठोकर लगती है उसे अकल आ जाते। मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे मैं आज भी अकल आया।
पास भी उतनी अकल है मेरे में। मेरे को रात को ये जो डायरेक्टर क्या निकल रात को 2 बजे फोन करके कहता है, भाई प्लीज अब तो काम कर ले, कब तक भूखा मरेगा। अपनी अकल नहीं छोड़ी। अच्छा, अपनी शर्तों पे आया हूँ मैं। मैंने कहा ऐसे नहीं आऊंगा, एक आदमी भेजो साथ में, 2 ग्लूकोज की बोतल, एनर्जी नहीं बिल्कुल, उठा नहीं जा रहा। भेजा आदमी, भेजा। हाँ, और आदमी बहुत अच्छा था, प्यार से लाया, मेरे बाल खींच के लाया, अभी तक सेट। सिद्धार्थ इन लोगों का ऐसे ही है, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ। मुझे कहते हैं पैसे कम कर लो, तुम हमारे शो में लीड हो। मुझे मेरा पता नहीं है क्या। लेकिन मैंने जैसे ही तुझे देखा ना, वो लोग सच बोल रहे थे, सच में लीड हो। एक मिनट, एक निकुल की अकल खत्म करता हूँ। ये क्या समझता है, डायरेक्टर तो कुछ भी करेगा, लीड बोलेगा तेरे को, झूठ बोलेगा तेरे से। ए, ये अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है बेटा, फोन पे नंबर डाल। अबे निकोल, फोन उठा, बताता हूँ। बात कर। हेलो सर। सर चैनल पर। अच्छा सर, मैं क्या, मैं लीड हूँ ना सर, ये सब क्यों बोल रहे ना, मेरी माँ है ना बहन। अबे डरपोक, डेयरिंग इसे कहते हैं। हाँ सर, मुबीन बोल रहा हूँ। सर आपने बोला था ना लीड में हूँ। सर ये मुझे मत बोलो, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है। आपने बोला था लीड में हूँ। अच्छा। क्या बोले? कह रहे झूठ बोला था तू। सर हमारे साथ है कौन? है कोई तो है। कौन है तुम? करिश्मा। आते ही ढेर। वाह, अब तो हम दो और हमारे दो क्या जजेस। वैसे क्या नाम क्या बताया आपने आपका? करिश्मा फ्रॉम रागनी एमएमएस। रागनी एमएमएस? हाँ। एक सेकंड, एक तू जीबी बनाने दो ना। अरे वीडियो बनाने तो एफबी पे डालना है कि वर्किंग विद हीरोइन, वो भी बोल्ड वाली। हाँ चल। एक मिनट, कौन तुम? कौन? ने रागनी एमएमएस नहीं देखा मेरा? नहीं, पर एमएमएस में शक्ल थोड़ी देखते हैं। हम देखते हैं दरवाजा खोल के, कोई अंदर तो नहीं आ रहा ये। तुम दोनों बकवास बंद करो, जिस काम के लिए वो करो। अच्छा, ऑल राइट। ये क्या कर रहे हो? आने के लिए ड्रेस पहने कि नहीं पहने? ये जो प्रोग्राम है इसे शुरू करते हैं। कि हम दोनों कव्वाल हैं। वाह, हम दोनों कव्वाल हैं, सामने बैठे बवाल हैं। कुछ बातें क्लियर हैं, फिर भी कुछ उठते सवाल हैं। कैसे सवाल हैं? सवाल ये है कि तुम दोनों कव्वाली करोगे तो मैं क्या करूं? तुम ऑटो करो, तुम घर जाओ। क्या? रात बहुत हो गई है, जमाना खराब है, यहाँ से भी निकल जाओ, यहाँ पड़ी शराब है, पी लो। शराब पी के हम भटक जाते हैं, कव्वाली कितनी भी जरूरी हो हम लड़की पे अटक जाते हैं जी। तुम दोनों कव्वाली गाओगे तो मैं भी गाऊंगी। तुम्हें इन्वॉल्व करते हैं, छोटी सी अनाउंसमेंट करते हैं। कव्वाली के बीच में अपने मुंह और जबान को संभालना, जहाँ हम डायलॉग भूल जाएं वाह 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 करके संभालना। वाह वाह, बहुत प्यारी, मैं डायलॉग भूल गया। भूला नहीं है, हम दोनों कव्वाल हैं। और अच्छे कि शेरों और गजलों की सौगात पेश करते हैं, करते हैं। उस रात की बात करते हैं जिसे सुनने से ये लोग बहुत डरते हैं। 7 साल चलने के बाद जब कॉमेडी सर्कट बंद हुआ, ये औरत इस कदर रोई, यहाँ रोई, वहाँ रोई, हर जगह रोई, कहने लगी मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये इधर रोई, ये उधर रोई, जिधर देखो उधर रोई, कभी शो पे रोई, कभी घर पे रोई, कभी परमीत के सर पे चढ़ के रोई। कभी नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी परवीन, प्लीज मत ऐसा मजाक मत दो। आंख से आंसू ऐसे बहे जैसे बाढ़ में कचरा और घर बहते हैं, नशे में रहते हैं। देखो तुम लोग ने अर्चना जी के बारे में बात कर ली। अच्छा, अब मेरे सोहेल के बारे में भी तो कुछ। मेरे 3 लाख रुपए यही लेके जाएगी। ये सोहेल खान है, इन्हें पैसों की कमी नहीं है। हाँ, नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है।
पैसों की कमी हर इंसान को होती है, चंकी पांडे से लेकर सलमान को होती है। जुआना, इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया है तो अर्ज किया है, ये इतनी खूबसूरत है, इसके लिए चाय बना दूंगा, अंडे उबाल दूंगा। वैसे तो शादीशुदा हूं लेकिन फेसबुक पे स्टेटस सिंगल डाल दूंगा। एक हफ्ता मांगेगी, मैं पूरा साल दूंगा। सेम टू यू। और तेरी मेरी जम गई, हमारी पट गई, तो वादा करता हूं हर साल तुझे छोटे छोटे कव्वाल दूंगा। कभी अकरम, कभी खुर्रम, वाह, फिर दो चार चुम्बन, फिर दो चार चुम्बन, तो फिर अकरम खुर्रम चुम्बन, फिर अकरम खुर्रम चुम्बन, तो दो चार चुम्बन, दो चार चुम्बन, तो अकरम खुर्रम चुम्बन, फिर अकरम खुर्रम चुम्बन, तो दो चार चुम्बन, फिर अकरम खुर्रम चुम्बन, तो चुम्बन चुम्बन चुम्बन, बिटवाई जा, अकरम खुर्रम जा, अकरम खुर्रम चुम्बन, अकरम खुर्रम चुम्बन। हेलो, पागल का ना? हाँ, वो मेरा वाला जो बेड था ना, उसमें किसी और को रिप्लेस करना। अर्चना जी, इनका पागलपन तो चलता रहेगा, आप बताइए आपको हमारा एक्ट कैसा लगा? The act was very good, but you were brilliant. Thank you. You know, ये जो छोटी छोटी चीजें आप करते हैं ना, that is why comedy circus has been so successful for so many years. Because एक सेकंड में हर एक नया पंच, audiences have understood and loved each and every punch. Thank you. Always. खाने के बाद जो मीठा होता है ना, ये आपका एक्ट था। वाह, थैंक यू। सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा कि जो मेरे घर के बच्चे हैं वो आप जैसा टैलेंट पाए। मूवी से ज्यादा फिल्मी मैंने आज तक नहीं देखा। एंड करिश्मा, इन दोनों के साथ ना, यू विल गेट टू लर्न सो मच, स्पेशली फ्रॉम दिस बॉय। आप लोग यार कमाल हो, कमाल, जेन्युइनली, यू गाइस आर टू गुड, बहुत मजा। तभी हम देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस ने कितना पैसा कमाया है। मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 15 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 3,00,000 रुपए। टीआरपी का चार्ट बस्टर अनीता हसनलानी और सोनी टीवी के टीआरपी मामा जी आ रहे हैं ये बताने के कौन है टीआरपी का बादशाह, और उनके साथ है वो जिन्हें देखकर मिस्टर पंचाल भी हो जाए खुशहाल, और जस्वी अरोरा। उदासी की महफिल में करने हंसी का हंगामा, उदासी की महफिल में करने हंसी का हंगामा, आंसुओं को पहनाने चुटकुलों का पैजामा, आ गए हम आपके टीआरपी मामा, 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 मामा। इको कहाँ कर रहा है? अच्छा, चट्टान जैसा अर्चना बैठाओगे तो इको ही करेगा। सुहेल भाई, एक्चुअली आप हमको नहीं जानते हैं, पर सलीम साहब से हमारे सगे संबंध है। क्या है ना, हमारी पीठ पे एक फोड़ा हुआ है, कल उन्होंने वही मुक्का मारा था, तो ये बात किसी सगे को पता होती ना, कहाँ फोड़ा है, कहाँ फुंसी है। विशाल जी, आप इंस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो आदमी अपना तबला साथ लेके चलता है वो तो कभी भी बना सकता है ना। वाह, विदेश से भी लोग आए हैं, उधर शिल्पा शेट्टी बनती हो क्या सस्ता में? सुनो, आई एम थ्रोइंग टू लाइन, यू जस्ट टेक एंड से वाओ वाओ। ओके। Sky can fallen down, rivers can dry. Wow, 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 wow. Sky can fallen down, rivers can dry. You can forget me, but how can I? चल जी, चल वहाँ जाकर कॉमेडी कर। मैं बेइज्जती पे रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, हिंदी पे दे रहा हूँ। एलिजाबेथ जैसा मुंह लेके आशुतोष राणा जैसी हिंदी बोल रही है। बहुत बढ़िया है, अकेले ही गुजारा करना पड़ेगा क्या यहाँ? बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गई, ये लो गुड़। गुड़ क्यों? तिल तुम्हारे पास है, गुड़ तिल के लड्डू बनाओ। तुम हो कौन? Who are you? टीवी वगैरह नहीं देखती हो क्या? हम है वर्ल्ड फेमस टीआरपी मामा। टीआरपी मैं हूँ, तुम्हें बस मामा बनाया है। एक मिनट, Who are you बे? अनीता हसनंदानी,
एट प्रेजेंट तीन तीन शो कर रही हूँ. तीन तीन शो कर रही हूँ, कोई एक करो लेकिन ढंग का तो करो. यहाँ क्या करने आई हो? अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी पार्टनर हूँ. हेलो अम्मा, हम बोल रहे हैं बाबूजी की आखिरी गलती. सुनो, मोहल्ले में किसी को बताना मत हम कॉमेडी सर्कस कर रहे हैं, हो सकता है हम जल्दी बाहर हो जाएं. अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना. इसी बात का टेंशन है कि तुम हो. तुम चुप करो और ये बताओ कि कॉमेडी के बारे में तुम्हें क्या आता है? मिमिक्री आती है, बिल्कुल नहीं. ओह सुनाओ. भैया जी जब खाली आसमान में गोली चलाते हैं तो चिड़िया खुद ब खुद सामने आ जाती है ताकि भैया जी की गोली वेस्ट ना हो. कौन है, किसकी मिमिक्री? ये नया हीरो है, अभी गांव से चला है. हे भगवान, अब जो भी तीसरी पार्टनर आ रही है वो अच्छी हो वरना पूरे कॉमेडी सर्कस का बोझ मेरे कंधों पर आ जाएगा. चलते एक्ट में ऑडियंस कहां से आ गई? ए तमीज से, मैं तुम्हारी तीसरी पार्टनर हूँ. हाय हाय. छी छी. देखो ऐसे मत करो, वैसे भी मुझे स्टेज वाली कॉमेडी नहीं आती. सुनो, जो चीज शकल पे लिखी है उसको बोलने की क्या जरूरत है? सुनो, मैं रोज रिहर्सल पे नहीं आ सकती, मैं डेली शो कर रही हूँ ना. अच्छा, तो यहाँ क्या टांगे दिखा के सोहेल भाई से पिक्चर लेने आई है? अच्छा, तो शिल्पा शेट्टी पे लाइन मारने के अलावा तुमको क्या आता है? ए, खबरदार! खबरदार जो हमारे और शिल्पा जी के रिश्ते के बारे में कुछ कहा तो. हेलो, तुम कुंद्रा जी को जानते भी हो? ही किल यू, ये अंग्रेजी तो नहीं आई पर ही लव मी. एक्चुअली कुंद्रा साहब बहुत प्यार करते हैं मुझसे. पिछले महीने हमको दुबई लेके गए थे, उनका बुर्ज खलीफा में घर है ना. वहाँ रखा था 130वें माले पे. क्या मस्त व्यू आ रहा था, हालांकि सीधा और अच्छा दिखता. सीधा मतलब? मुझे उल्टा लटकाया था ना. जजेस, केस लगी है आपको एक नार और दो नर की कॉम्बिनेशन. टैलेंट अगर किसी शो पर है तो वो शो है कॉमेडी सर्कस. सुपर्ब! बोलते ना कि पहले बॉल पे छक्का मारना, आप लोग ने पहले बॉल पे छक्का मारा. अनीता, परितोष, ओजस्वी, आप लोगों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे. इट वाज टू गुड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अभी चलिए देखते हैं लाइवोमीटर पे आपने कितने पैसे कमाए. पारितोष, अनीता और ओजस्वी, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 11 हाहाकार और 12 फेफड़ा फाट. तो कुल मिलाकर लाइवोमीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2,00,000 रुपए. गाइस अमेजिंग, थैंक यू सो मच. यू सी, थैंक यू. मुझे एक्चुअली आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में अकबर को बेवकूफ और बिरबल को अकलमंद लोग क्यों दिखाते हैं. अरे चलिए, आप अगर इसी में सबको मजा आ रहा है तो फिर अपने दिमाग क्यों लगाते हैं. चलिए आपको हंसाने के लिए बुलाते हैं कॉमेडी में जो है सार से पांव तक दुबे गौरव दुबे एस अकबर, रेडियो जॉकी टर्न्ड एक्टर अभिलाष एस बिरबल, एंड माय फेवरेट कुछ कुछ होता है लिटिल गर्ल जो बन चुकी है ब्यूटीफुल हीरोइन साना एस महारानी. वैसे हमसे कहा गया था कि कॉमेडी सर्कस में कुछ नया कर रहे हैं, अकबर बना के भेज दिया. हमने पूछा क्या नया कर रहे हो, कहते कि कॉस्ट्यूम नहीं सिलवाई है. वैसे हमारे राजमहल में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कोई है? कोई है? लगता है कोई नहीं है. अब बादशाह अकबर अपना रियाज करेंगे. बस हमारा डांस खत्म नहीं हुआ, हमारा प्रिय बीरबू हम पे पैसे लुटा रहा है. चाटा मर कंबल कुटाई करे पैसा उड़ा रहा, लाना दे रहा हूँ. हम बादशाह है, तमीज से बात करो. इधर आओ कमजोर बालन. <बालन। laughs>
ये दूर हटे। ऐसा लगता है अनार कली को उसने दीवार में नहीं अपने अंदर चिनवा दिया, तो कभी बाहर आ जाती है। हमने कब ऐसा किया, कब अदाई की हमने, हमने कब किया ऐसा बताइए, हमने कब किया? घुंघरू की आवाज, किसकी हिम्मत हुई हमारे बगैर महल में घुंघरू पहन के चलने की? ए महारानी के घुंघरू की आवाज है पक्का। अरे वाह, बहुत मस्त आइटम है, बुला लो। अरे अबे पड़ोस की राज की नहीं, तेरी अपनी महारानी का घुंघरू है। She is very boring. ठीक है, हम चलते हैं, तब तक तुम महारानी को संभालो, ठीक है? ये हेलो मिस ब्रिगेंजा। अंजलि अंजलि, बीरबल नाम तो सोना ही होगा। हेलो नाला सुपारा की राहुल। सब छोड़िए, मैं आपसे थोड़ा पर्सनल बात करने आया था। मैं भी कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बीरबल। तो कहो, मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से नहीं दूर रहते यार। महाराज का चाल चलन बिगड़ता जा रहा है। क्या महाराज मुझे बुलाते हैं अपने दरबार में और कहते हैं अनारकली छुट्टी पर है, बिकनी पहन के जरा बैले डांस करके दिखाओ यार। और यार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, जितना मेहमान लोग आता है सबके सब असरफिया मारता है, ऐसी ऐसी जगह जाता है कि अपना पर्सनल बीवी से मलहम लगाने में शर्म आती है यार। ए, चलो निकलो यहाँ से, इसे तमीज से बात करनी है। ठीक है, आई लव उर्दू यार, थैंक यू सो मच। कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं, मैं तो महाराज के साथ शादी करके तंग आ गई हूँ। मैं भी चाहती हूँ एक हैंडसम सा राजकुमार आए और मुझे अपनी कस की बाहों में पकड़ ले। यहाँ लगता है अच्छी हो तुम आ गई, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं देखा। देखो तुम ध्यान रखो कहीं महाराज ना आ जाए। महारानी, महाराज! ये तुम क्या कर रही हो? मैं फोन पे बात कर रही थी। Thank God, दोनों बच गए। ये बताओ, हमारे आने से पहले तुम किससे बकवास कर रही थी? वो मैं बीरबल से बात कर रही थी, उसने मुझे तुम्हारी सारी हरकतें बता दी। क्या धोखा, बीरबल इज अ चीटर, बीरबल इज अ चीटर। ये कैसा अंबर है? देखो महाराज बस करो, वैसे भी बीरबल के साथ आपकी नजदीकी हमसे देखी नहीं जाती। बस बहुत बकवास कर ली तुमने, कभी प्यार से बात कर लिया करो हमसे। बीरबल की बीवी से कुछ सीखो, कितना अच्छा हक करती है, बाहों में जाते ही नींद आ जाती है। क्या कहा? बीरबल को बीरबल पूरा दिन बीरबल। दिल्ली मुगलिया सल्तनत को टाइट करने और अकबर से फाइट करने बीरबल की वाइफ आ रही है। हकीम को बोलिए एक बार अकबर को बुला दे जल्दी से। खुद मुंह जड़ी बूटी जैसा हमें हकीम कहती है, हम बादशाह अकबर हैं। ए बादशाह अकबर, गुस्ताखी माफ नहीं करती तेरी। बीरबल को ऐसी ऐसी जगह पर लेकर गया है जहाँ ये अकेला भी जा सकता था ना तू। वो हमारा वजीर है, नौ रत्नों में से एक है, हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। है इसके नौ रत्नों के चक्कर में हमारा एक रत्न नहीं हो पाया प्लॉट। हमने एक कछुआ पाल लिया कि चलो बचुआ न सही, घर में कछुआ तो रेंगता रहे। अच्छा तुमको बचुआ चाहिए, हम है ना? क्या कहा? बीरबल को समझाने के आके है। यही सब बीरबल को सिखा दिया है, कल रात को जाग के कथक कर रहा था। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। अरे भारतीय संस्कृति तो जमीन पे कथक कर, मेरा छाती पे कथक कर रहा था। दो घुंघरू मेरा गले में अटक गए, अब तो डकार की जगह भी झनकार आ रही है। हम बीरबल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। महाराज
क्या महाराज, बस बहुत हो गया, जब सब खुल ही चुका है तो खोल दो। हाँ मैं हूँ वैसा। हाँ हाँ मैं हूँ वैसा, मैं क्या करूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अकड़ अकड़ के थक गया। बीरबल बीरबल बस अब नहीं होता बस। महाराज बीरबल में ऐसा क्या है जो मुझ भी नहीं है? दाढ़ी। अरोनी कुछ कहो ना, सब कुछ खुल ही गया है तो पूरा पोल खोल। बस हो गया, फुटेज आउट निकले से। अच्छा वह चली गई चिरकुंडी। बीरबल मेरे पास आओ। वाह जजेस, आप बताइए आपको कैसी लगी अकबर और बीरबल की खिचड़ी? जब ये सेटअप हो रहा था मैं समझा क्या यार ये फिर से मुगल आजम का होगा, इतना कुछ देखा हुआ है क्या नया कर लेंगे, लेकिन ये जो टेक था मुगल आजम पे इट वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड गौरव फॉर यू। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे पागलपन पसंद है, और आज हमारे पहले एपिसोड ऑफ कॉमेडी सर्कस रिटर्न्स में ये पागलपन इस मंच पर वापस आ गया है। बहुत बढ़िया। मैंने मुगले आजम के अलग अलग वर्जन देखे, पहली बार मैं अनारकली की जगह में अकबर कली देख रहा हूँ। प्यार प्यार होता है यार। रोम सिंह, एज लॉन्ग एज आप लोग दोनों खुश हो, और किसी का बिजनेस नहीं है। चलिए देखते हैं इस टीम ने कितने रुपए कमाया है। गौरव, साना और अभिलाष, आपको मिलती है 16 मंद मंद हंसी, 12 हाहाकार और 10 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2 लाख रुपए।